your right future. Hello friends. वेलकम टू करियर गाइडेंस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी सीजीएल के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियोस हमारे सारे रिक्रूटमेंट्स में बने हुए हैं, तो ये जो एसएससी सीजीएल का जो रिक्रूटमेंट है वो बच्चों एंड फ्रेंड्स आप सभी का सपना होता है कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एंट्री लूँ, गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करूँ। तो ये आपका एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट्स जो आपका एग्ज़ाम है, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। इसका अभी भी आपके पास मौका है, लास्ट डेट आपके पास बची हुई है। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2021 एंड इसमें आपकी क्या जॉब पोस्ट रहती है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है, फॉलो करते जाइए मुझे एंड इस चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोग बात करेंगे तो आपकी 29 को आपकी ये एप्लीकेशन बिगिन हो गई थी और इसकी लास्ट डेट जो आपकी है 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। फीस पेमेंट की आपकी 2 फरवरी लास्ट डेट है इसमें और आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो 29 मई से 7 जून तक एग्जाम आपका ये कंडक्ट होगा। टीयर 1 एग्जाम जो आपका होगा, बाकी जितना भी आपका टीयर 2 एंड इंटरव्यू लेवल के जितनी भी होगी वो अभी नोटिफाइड इसकी डेट्स नहीं आई है। एप्लीकेशन फीस की हम लोग बात करेंगे तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की उसकी फीस 100 रखी गई है और एससी एसटी के लिए 0 फीस रखी गई है। तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, लमसम 0 फीस में ही ये आपका एप्लीकेशन है और आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम मोस्टली हर स्टूडेंट देने का सोचता है, बट अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है, एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन की हुई है, तो आप इसको क्रैक भी कर सकते हैं। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की अगर हम लोग बात करें जो इसमें आपको जो अट्रैक्ट करती है एसएससी सीजीएल को देने के लिए, वो आपकी जो पोस्ट आपको असाइन होती है। अगर हम बात करें आपकी जो बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपकी जो पोस्ट आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं लाइक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऐसे जितने भी आपके ये डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, आपको ये सारी पोस्ट असाइन होने के चांसेस रहते हैं अगर आपने क्रैक कर लिया। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर करा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं कि एलिजिबिलिटीज मोस्टली मैक्सिमम 30 ईयर्स रखी गई है अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो। और जो आपका ग्रेजुएशन है वो आप किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी सीजीएल के लिए यही रिक्वायर्ड रहती है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बना हूं या मुझे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री लेनी है बट मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूं या मुझे किसी टफ एग्जाम में कॉम्पीट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये अभी भी आपके पास चांस है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इन सेक्टर्स में आप जॉब ले सकते हैं। बहुत ही रेप्यूटेड गवर्नमेंट के ये ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के ये सेक्टर्स हैं और इसमें अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको अगर लगता है कि रिक्रूटमेंट्स में हम जितने भी आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं, डेट्स बताते जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे ही हम जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग अपडेट्स होंगे वो हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। थैंक यू।